तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है बच्चे डाउट में लेके आते हैं। इसमें क्या कहता है कि एक पार्टिकल सीधी लाइन में चल रहा है। चलो ये वाली सीधी लाइन है और सीधी लाइन में कोई पार्टिकल चल रहा है, और तीन सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम ले लेते हैं। ऐसे कोई पार्टिकल जा रहा है सीधी लाइन में। कहता है जब समय जीरो था, तो चलो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी यू था, यूनिफॉर्म एक्सलेशन है, एक्सलेशन यूनिफॉर्म है, ए है इधर की डायरेक्शन में, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कह रहा है। बी वन बी टू क्या है? एवरेज वेलोसिटी इन द थ्री सक्सेसिव इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? जैसे मान लो 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड के बाद 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद 20 सेकेंड, इस तरह से सक्सेसिव इंटरवल। मतलब टाइम यहाँ जीरो था, तो ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट पर अगर टाइम जीरो है, तो बी पॉइंट पे आके टाइम यहाँ से जो लग गया टाइम, वो एक समय लग गया मान लो 10 सेकेंड, टी वन लग गया, तो अगले 10 सेकेंड यहाँ से लग गया सी पॉइंट तक, वो टी टू। तो यहाँ से ये सक्सेसिव इंटरवल है। तो अगला जो डी पॉइंट है वो 30 सेकेंड होगा, और ये होगा टी थ्री, ठीक है ना। तो ये तीन सक्सेसिव इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी है वो दिया हुआ है। तो एवरेज वेलोसिटी ए से बी तक एवरेज वेलोसिटी वी वन है, बी से सी तक एवरेज वेलोसिटी वी टू है, और सी से डी तक एवरेज वेलोसिटी वी थ्री है। ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। सवाल में खुद बता रहा, मैं नहीं बता रहा हूँ मेरे भाई। तो यहाँ से देखो, अब प्रॉब्लम क्या है, इसको एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल और फाइनल का निकाल के एक्सलेशन सेम हो, दो से डिवाइड कर देते हैं। तो बी पॉइंट की वेलोसिटी हमें नहीं पता है, ठीक है ना। तो अगर हमें बी पॉइंट की वेलोसिटी नहीं पता है, तो मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ से वी बी डिनोट कर देता हूँ, और इस सी पॉइंट की वेलोसिटी मैं यहाँ से वी सी डिनोट कर देता हूँ, और डी पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ वी डी डिनोट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो चलो, और यहाँ यू को, यहाँ यू है ही। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी वी बी वी सी और वी डी निकालते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। और फिर ऑप्शन देख के पता चल रहा है, और डिफरेंस लेना है एवरेज वेलोसिटी निकालने के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ से जो बी बी है, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा, यू प्लस एक्सलेशन ए और टाइम टी वन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से बी सी जो आ जाएगा, बी सी यहाँ से आ जाएगा बी बी, इनिशियल वेलोसिटी बी बी प्लस एक्सलेशन ए और टाइम यहाँ से, या नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट टी इक्वल टू जीरो के लगा लो ना, ये भी अच्छा है, तो बात बराबर होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से मैं लगा देता हूँ इन स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से लगाते हूँ, तो बी सी इक्वल टू बी यू प्लस एक्सलेशन ए टाइम टी वन प्लस टी टू। उसी तरह से बी डी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? यू प्लस ए टाइम टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी वी गेट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अलग अलग पॉइंट की। अब एवरेज निकालना, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी आपको पता है, किसी भी चीज़ का एवरेज, दो चीज़ का एवरेज निकालना है तो उनकी वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है ना, ऐसे एवरेज लेते हैं। तो इसका मतलब पहला वाला जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा वी वन, उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वी वन, वो आ जाएगा यू प्लस बी बी डिवाइडेड बाई टू। तो यू इतना है और बी बी की वैल्यू यू प्लस ए टी वन है डिवाइडेड बाई टू। मतलब यहाँ से बी वन की जो वैल्यू आ जाएगी, देखो बी वन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यू प्लस ए टी वन डिवाइडेड बाई टू। इस तरह से आ गया अपना बी वन। उसी तरह से जो बी टू आ जाएगा, चलो बी टू निकाल लेते हैं हम लोग। तो अगर मैं बी टू निकाल लेता हूँ यहाँ से बी टू की वैल्यू, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब बी बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई टू। तो बी बी की वैल्यू कितनी है? तो बी बी की जो वैल्यू है वो तुम्हें पता है, यहाँ से यू प्लस ए टी वन, और यहाँ से बी सी की वैल्यू है यू प्लस ए, और यहाँ से टी वन प्लस टी टू और डिवाइडेड बाई टू। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आता है, यहाँ से टू यू यू प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू बाई टू, दैट इज द वी टू, यहाँ से यू ये वाला। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से उसी तरह से वी थ्री क्या आ जाएगा, वी थ्री देखो किसके किसके बीच का एवरेज में, बी डी प्लस बी सी का सम डिवाइडेड बाई टू। तो वी डी प्लस बी सी का सम डिवाइडेड बाई टू, तो वी डी की वैल्यू कितनी है? ऊपर देखो यहाँ से,
बी डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, बी डी इक्वल टू यू प्लस ए टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री और प्लस यहाँ से यू प्लस ए टी वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टू, दैट इज़ द भी एवरेज वेलोसिटी इन द थर्ड इंटरवल। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या से आ जाएगा, यू प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू प्लस ए टी थ्री डिवाइडेड बाई टू, दैट इज द वी थ्री। तो हमने क्या किया, यहाँ से तीनों की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की, वी थ्री कैलकुलेट कर लिए, यहाँ से वी टू कैलकुलेट कर लिए और यहाँ से वी वन कैलकुलेट कर लिए। अब इनका डिफरेंस जैसा कि ऑप्शन में दिख रहा है, इनका डिफरेंस लेना है। तो अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ, सबसे पहले वी वन माइनस वी टू निकालता हूँ, तो वी वन माइनस वी टू निकालो तो क्या मिलेगा, तो वी वन की वैल्यू देखो यू प्लस ए टी वन है और इसमें जब घटाओगे यू प्लस ए टी वन में से इसको घटाओगे तो यू खत्म हो गया और ए टी वन में से ये आधा माइनस बचेगा और यहाँ से माइनस ए टी टू बचेगा, कुल मिला के यहाँ से आ जाएगा जब तुम घटाओगे तो माइनस यहाँ से ए बाई टू और यहाँ से टी वन प्लस टी टू बचेगा, ठीक ना। उसी तरह से अब मैं निकालूँगा वी टू माइनस वी थ्री, तो वी टू माइनस वी थ्री देखो वी टू कितना है, तो वी टू ये वाला है वी थ्री ये है, तो यू खत्म हो गया एटी एटी खत्म हो गया, तो ए बाई टू टी बचा ए बाई टू टी और टू में से इसमें घटा रहे, ध्यान रखना माइनस वी थ्री करोगे माइनस वी थ्री तो माइनस ए बाई टू यहाँ से कॉमन आ गया और प्लस माइनस ये वाली चीज़, तो जब इसमें माइनस तुम घटाओगे तो माइनस ए बाई टू यहाँ से कॉमन आ गया और यहाँ से टी टू प्लस टी थ्री की वैल्यू बची। तो अगर तुम यहाँ से देखो ये डिवाइड कर दो तो बी वन माइनस बी टू डिवाइडेड बाई बी टू माइनस बी बी थ्री डिवाइड करोगे तो ये सब खत्म हो गया, टी वन प्लस टी टू और डिवाइडेड बाई टी टू प्लस टी थ्री, दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस। ये टी टू है, टी टू टी वन प्लस टी टू, टी टू प्लस टी थ्री, ये इसका रेशियो हो जाएगा। मतलब तुम देखोगे यहाँ से तो अपना बी वन माइनस बी टू और बी टू माइनस बी थ्री का जो सम है टाइम टी वन प्लस टी टू, मतलब बी ऑप्शन अपना सही मैच कर जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।